आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब नीड के बारे में पढ़ेंगे। जो नीड होता है इसको हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड यानी नीड जो है वो मॉडल एक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया भी है। मतलब मॉडल को नीड को आप मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं ये दोनों प्रकार में प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे इसको मॉडल वर्ब के यूज कर लीजिए या इसको मेन वर्ब के तहत यूज कर लीजिए। इसीलिए इसको हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल वर्ब। इसलिए नीड को हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। मुख्य तौर पे क्या होता है, नीड का जो प्रयोग है, नीड का जो यूज है मेनली, वो साधारण वर्ब की तरह होता है। साधारण वर्ब यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब की तरह इसका जो यूज होता है वो साधारण वर्ब की तरह ही होता है। और इसकी जो तीन फॉर्म होती है, इसके जो तीन फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है और वो कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो विभिन्न टेंस के नियमों के मुताबिक इनका प्रयोग करते हैं, जो तीनों फॉर्म जो होती है ना वो टेंस के फॉर्म के मुताबिक, कि टेंस का जो जो भी सेंटेंस है उसके कौन से टेंस का नियम उसमें लग रहा है उसके मुताबिक हम नीड का यूज करते हैं। कैसे? देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हुआ, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर वाक्य जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव हुआ तो या निगेटिव हुआ, अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो उस सेंटेंस में हम नीड के लिए डू और डज का यूज करेंगे। क्लियर है? मेन वर्ब के तौर पर अगर कहीं भी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की जगह नीड यूज हो रहा है तो हमें नीड के बाद, इसके जस्ट बाद टू लगाना होगा, ठीक है? अगर आप टू नहीं लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मेनली जो बेसिक मीनिंग जो होती है, बेसिक मीनिंग ऑफ नीड, होता है नेसेसिटी यानी कि जरूरत, आवश्यकता। क्या होता है? जरूरत या आवश्यकता। उस सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा, जहां भी जरूरत आवश्यकता जैसे ही फील होगी ना तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे नीड का यूज होगा। अब नीड का यूज कैसे कैसे होगा, कौन से टेंस में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में, अगर वो मेन वर्ब है तो नीड में टू लगाना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, मुझे उसके सहयोग की आवश्यकता है। पहला सेंटेंस क्या है एग्जांपल में? मुझे
उसके सहयोग की आवश्यकता है। नॉर्मली ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य हो गया, तो हम इसमें सिर्फ नीड यूज करेंगे, जैसे कि आई नीड हर सपोर्ट। ठीक है, चलिए एक और वाक्य लेते हैं। क्या उसे मेरी आवश्यकता है? है, ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मैंने बताया था मेन, अगर साधारण वाक्य है वहां तो हम नीड, नॉर्मली नीड का यूज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य होगा वहां पे हम डू डज का यूज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। डज सी नीड माई अटेंशन? नीड माई अटेंशन, क्लियर है? क्या उसे मेरी आवश्यकता है? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो वाक्य है वो जैसे मैंने आपको बताया था, टू कहाँ पे लगाना होगा, जहां पे नीड जो है मेन वर्ब है, उस पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो नीड ही है, तो हमें यहाँ पे नीड के साथ टू जोड़ना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू, टू लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, तीन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, शाउट एट हर, क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह यश चाहती है। यश यानी कि आप समझ गए, यश, ख्याति, फेमस होना। तो यहां पे मैंने जैसे बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे यश जोड़ेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एस आई एस जोड़ेंगे, तो वही चीज हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। सी नीड्स, एस लगेगा, सिंगुलर, फेम, क्लियर है? तो हम नीड के जो तीन क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए थे कि नीड के बाद टू कहाँ लगेगा, इंट्रोग्रेटिव और निगेटिव के साथ नीड क्यों यूज किया जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर है पर्सन तो उसके साथ एस और यस कैसे लगेगा, ये तीनों चीजें हमने एग्जाम्पल में ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीड मॉडल जो है वो आमतौर पर आवश्यकता को व्यक्त करता है, कोई भी आवश्यकता उसको व्यक्त करेगा, क्लियर है? इसका यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ये भी क्लियर हो गया आपको, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था। इसका जो यूज होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, क्लियर है? मॉडल के तौर पे नीड का कोई पास्ट टेंस नहीं होता,
मॉडल के तौर पे जो नीड होता है, इसका कोई भी पास्ट टेंस, नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नीड का कोई भी अगर बोले कि पास्ट टेंस होता है तो नहीं। पास्ट टेंस में भी अगर कहीं भी सेंटेंस में पास्ट टेंस आ रहा है तो वहां पे भी मॉडल नीड को, नीड ही लिखा जाता है, नीडेड नहीं लिख सकते हम। मतलब ये अगर कोई बोले कि भाई पास्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो वहां पे हम नीडेड लगा दें, जैसे ये, तो ये आप अगर लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो मॉडल वर्ब नीड को पास्ट टेंस में नीड ही लिखा जाता है, नीडेड नहीं होता है। क्लियर है? कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। उसे मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। उसे मेरे ऑफिस आने की जरूरत कैसे बनेगा? ही नीड नॉट कम टू माई ऑफिस, कम टू माई ऑफिस। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सी नीड नॉट वेट, सी नीड नॉट क्लियर है? यानी कि मॉडल को हम मॉडल वर्ब नीड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। नीड से जो भी इंट्रोगेटिव यानी कि जो भी प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होगा, नीड से जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा, उस सेंटेंस का अगर उत्तर यानी कि उसका अगर आंसर सकारात्मक हुआ, यानी कि सकारात्मक यानी कि नॉर्मल अफर्मेटिव, तो नीड के बजाय मस्ट का यूज। अगर उसका उत्तर सकारात्मक हुआ तो नीड की जगह हम वहां पे मस्ट का यूज करेंगे, और यदि अगर उसका उत्तर जो आंसर है वो निगेटिव हुआ, अगर वो निगेटिव हुआ तो हमें वहां पे नीड नॉट का यूज करना पड़ेगा। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य है जो नीड से शुरू हो रहा है, यदि उसका उत्तर नॉर्मल आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है, तो नीड की जगह हम मस्ट का यूज कर देंगे। अगर उसका उत्तर निगेटिव आ रहा है तो नीड की जगह हम नीड नॉट का यूज कर देंगे। क्लियर है? चलो एग्जांपल लेते हैं फिर क्लियर होगा। क्या इंस्पेक्टर को मेरे घर आने की जरूरत है? क्या क्या इंस्पेक्टर को मेरे घर आने की जरूरत है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
पहले हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे नीड द इंस्पेक्टर विजिट माय होम। अगर इसका आंसर नॉर्मल यानी कि साधारण आता है, हाँ उसे है, यानी कि उत्तर क्या आया, हाँ उसे है, तो मैंने बोला था नीड की जगह मस्ट यूज हो जाएगा, तो इसका होगा यस ही मस्ट। लेकिन अगर उसका उत्तर नेगेटिव है, नहीं उसे जरूर, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं, यानी कि नहीं उसे जरूरत नहीं है, ये हो गया, तो यहां पे होगा नो ही नीड नॉट। क्लियर है? कोई भी नीड से स्टार्ट होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा हो, तो आप वहां पे नीड की जगह मस्ट का यूज करेंगे। अगर उसका उत्तर नेगेटिव आ रहा है, तो वहां हम नीड की जगह नीड नॉट का यूज करेंगे।